प्रीता को करण ले आया है लूथरा हाउस, अब लग गया है इससे निधि को झटका। क्या होगी सीरियल की कहानी? वेल दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अब प्रीता और करण दोनों साथ साथ नजर आने वाले हैं। अब इन दोनों को साथ देखकर आप तो जानते हैं कि निधि कितना ज्यादा जलने वाली है, निधि को झटका लगने वाला है। यानी कि जो बातें करण ने कही थी कि वो प्रीता को लेकर आएगा, अब वो प्रीता को लेकर आ गया है। बाकी परिवार वाले तो खुश होने वाले हैं, लेकिन यहाँ निधि बहुत ही जल्द एक्सपोज होने वाली है। उसी बीच सृष्टि क्या करेगी, क्योंकि सृष्टि जो है वो भी यही नहीं चाहती कि प्रीता जो है वो करण के साथ जाए। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। पर जैसा कि कल आपने देखा कि किस तरह से करण जो है उसने साफ साफ सबके सामने कह दिया कि वो प्रीता को जल्द ही घर लेकर आएगा। कल आपने ये भी देखा होगा कि कैसे राखी ने जब ये बातें कही, उसने कहा कि मुझे पलकी में परछाई दिखती है प्रीता की और मैं चाहती हूँ पलकी इस घर की बहू बने, साथ ही नताशा भी, क्योंकि दोनों की आदतें, दोनों का जो वो इमोशन है बिल्कुल प्रीता की तरह है। प्रीता ने इस घर को जिस तरह संभाला था वैसे ये दोनों भी संभाल लेंगी। ये सुनते ही निधि बौखला जाती है। निधि सबके सामने कहती है, आप लोग मेरी सौदन का नाम मेरे सामने ले रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? उस पर दादी कहती है, निधि तू चुप हो जा, तुझे एक बात बता दूं, तेरे अंदर जो ये गलत फहमी है कि प्रीता तेरी सौतन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीता ने इस घर के लिए जितना किया है तू उतना कभी नहीं कर सकती। करण भी निधि की ओर देखता रह जाता है। वही ऋषभ जो है वो भी ये सारा सीन देखकर शॉक्ड है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि निधि धीरे धीरे खुद ही सबके सामने खुद को एक्सपोज कर रही है। वहीं पर सीरियल का नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में आपने ये देखा किस तरह से सृष्टि प्रीता से कहती हुई नजर आई कि मैं आपको बचाना चाहती हूँ। इस पर प्रीता चिल्लाते हुए कहती है कि तू मुझे बचाना किससे चाहती है ये तो बता। तो इस पर सृष्टि कह देती है करण लूथरा से, जिसके बाद प्रीता हैरान सी रह जाती है। वहीं अगले ही मोमेंट आपको अब ये देखने को मिलेगा कि किस तरह करण सबके सामने कहता है कि मैं प्रीता को इस घर में लेकर आऊंगा। वहीं राखी कहती है, मैं तो चाहती हूँ एकादशी वाले दिन इस घर में इस घर की बहू वापस आ जाए। प्रीता को मैं अपनी आँखों के साक्षात सामने देखना चाहती हूँ। ये बातें निधि सुनकर बौखला जाती है, लेकिन निधि कुछ कर नहीं पाती। वहीं आप देख सकते हैं कैसे निधि जैसे ही जाकर गेट खोलती है तो सच में करण प्रीता को लेकर गृह प्रवेश कर रहा है। और ये चीज देख कर भाई निधि की हालत जो खराब हुई है वो आप देख ही सकते हैं। बस अब यही बाकी है कि निधि कब एक्सपोज होगी और कैसे पूरे घर वाले प्रीता को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि प्रीता की याददाश्त अभी वापस नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आने वाली है। आपका क्या कहना है अब प्रीता और करण को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।